नली, बहुत ही मजा आया इनसे मिलकर। और आरगा भाई से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तरह से मिले नहीं, कल बातें हैं। कौशर भाई कहाँ हो भाई? भैया मैं तो टूट गया। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी ना हो हमारे साथ। तो हे गाइस, और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस फटाफट से हम लोग नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, और गाइस आज हम लोग जा रहे हैं आदिल के बाहर। गलत बोल रहा है, नहाया नहीं, हम लोग दोनों नहाया ही नहीं। नहाया गाइस बता सकते हो, मैं नहीं नहाया हूँ। ये नहीं नहाया लग रहा है, ऐसा लग रहा है हीरो लग रहा है। पहले जाएंगे हम लोग स्टूडियो, वहाँ पर जो गाना का शूटिंग था थोड़ा सा बाकी था, अब जाएंगे उसको पूरा कम्प्लीट करना है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे आदिल के पास। और तो जल्दी से भाई से मिलते हैं। पहले गाना रिकॉर्ड करते हैं। गाना बहुत ही बवाल गाना है गाइस, जब रिकॉर्ड किया 70% रिकॉर्ड हो चुका है। कल ही मजा जो आ रहा है ना, अभी हम लोग सुन रहे थे उसको, बहुत ही बवाल गाना है। उसको लिखे हम हैं, अंशु भाई वो भी थोड़ी बहुत लिखे हैं, और हमने लिखा है, गाया अमित भाई ने और अंशु भाई ने गाया है, टीम वर्क हुआ है। बहुत ही बवाल सॉन्ग लगेगा आपको, बस आप वेट करो गाने का, बहुत ही जल्द आएगा। शूटिंग हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जैसे घर जाएंगे। तो गाइज बस अब यहाँ से निकलते हैं, इस रूम को अलविदा करने का टाइम आ गया है। अब हम लोगों को निकलना है यहाँ से, रूम को चेकआउट कर लेंगे हम लोग और यहाँ से डायरेक्ट स्टूडियो जाएंगे। ये रहा चाबी, और ये रूम की हम लोग की याद आएगी, बहुत ही ज्यादा याद आएगी क्योंकि पैसा लिया है बहुत ही ज्यादा। तो गाइज हम लोग टुक टुक पकड़ के निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? स्टूडियो जा रहे हैं गाइज, स्टूडियो में फिर मिलते हैं आपसे। चर्च है यहाँ यूपी का। फाइनली गाइस हम लोग स्टूडियो में पहुंच चुके। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? सो भाई देख सकते हैं पिल्ला पाले जो इसको प्यार कर रहे हैं। तो गाइस चलते हैं अब स्टूडियो में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, ये रहा हमारा स्टूडियो। तो गाइस हम लोग स्टूडियो में आ गए हैं, हम लोग गाना रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, हमारे कौशल भाई थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग हैं ट्रेन के ऊपर जो ब्रिज बना है उस पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। पीछे से ट्रेन आ रही है और स्टूडियो हमारा सामने था, इसीलिए हम लोग नाश्ता करने के लिए उस पार से इस पार आ गए। सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, और बज गए अभी तक 12। तो काम कर रहे थे स्टूडियो पे, रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग का काम ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, बस मिक्सिंग बचा है, तो वो भैया सब कर लेंगे 3-4 दिन में। तो हम लोग घर निकल जाएंगे आज ही, नाश्ता करके यहाँ से ट्रेन पकड़ के यहाँ से घर नहीं जाएंगे, आर के आदिल के पास जाएंगे। ये आर के आदिल जो है भाई, वो बोल रहे थे कि आप लोग यूपी आए और हमारे पास नहीं आओगे, तो हमें भी वैसे भी बहुत मन था कि उनसे मिले, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग उन्हीं के घर जाएंगे। उनका है शायद जिला है पिलभीट या क्या है, वहीं पे हमें जाना है। देखते हैं यहाँ से ट्रेन मिलती है कि नहीं हमें। तो फाइनली गाइस हमारा खाना आ चुका है। तो गाइस खाने में रोटी एंड सलाद एंड अचार एंड पनीर है, उसके ऊपर मक्खन है और मिक्स वेज एंड दाल फ्राई। गाइस तो जल्दी से फटाफट खाते हैं और फिर चलते हैं अपने काम में। तो यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे लखनऊ में। गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन के ऊपर आ गए हैं और अमित भाई कहीं खो गए हैं, दिख नहीं रहे। अमित भाई आप किधर हो? गोर से देखिए। अच्छा अच्छा आप उधर हो, सामना कर रहे हैं, क्या बताएं। गाइस क्या बताएं, हम तो ऐसे मतलब लाइफ से गुजर चुके हैं ये, और अमित भाई कभी नहीं बैठा था, आज पहली बार अभी नहीं चाहेंगे इस ट्रेन से। ये लोग प्लेन का जिंदगी है, फ्लाइट अगर हम 7,000 लगे चाहे 10,000 लगे, क्या करें, हमको मजा आ रहा है। बाकी इन लोगों को तो सजा लग रहा है, मजा आ रहा अभी 2 मिनट हुआ ना, अभी होने तो 1 घंटा, उसके बाद पता चलेगा मजा सजा में कैसे बदलता है। अभी तो मजा में मिले हैं, आप सजा के बाद मिलते हैं आपसे। चलिए ठीक है। कौशर भाई कहाँ हो भाई? तो गाइस देख सकते हो ये है ट्रेन, और अभी हम लोग दिखा रहे हैं हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग दरअसल यहाँ पे अभी तो दिखा रहे भैया, मैं तो टूट गया। काइंडली 2 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं, और अभी 2 घंटे और अगले स्टेशन पे जहाँ हम लोग उतरने, अभी 2 घंटे ऐसे ही खड़े जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप लोग देख रहे हो हमारा स्ट्रगल। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। थोड़ा थोड़ा कम भीड़ था गाइस, बट ये स्टेशन आया तो और भाई चढ़ गए यहाँ पे। तो गाइस हम लोग फतेहपुर से निकल के लखनऊ पहुंच गए थे, पहले ही कितने 3 बजे निकल चुके थे बस से लखनऊ गए, और लखनऊ से ट्रेन पकड़ के यहाँ तक आए हैं बरेली। और वो जो ट्रेन का सफर था ना 5 घंटों का लखनऊ से बरेली, जिंदगी भर याद रहेगा गाइस ऐसा, कि हम लोग कैसे आए हैं, न खड़े होने की जगह थी ना बैठने की जगह थी, 5 घंटे ऐसे आए हैं गाइस, ऐसा जिंदगी में कभी सफर नहीं किया। ऐसे डबल थे मतलब
कोई मतलब ये नहीं था, सांस नहीं आ रहा था, मुड़ने की जगह नहीं थी गाइस, बोले मुड़ने की नहीं, इतना अब मतलब बुरा लग रहा था ना, क्यों बैठे बैठे क्यों थे? उसी के बीच में कोई हग लिया और एक अंकल आ गए दारू पी के, इतना खराब सेंड कर रहा था तब, क्या बोले, एक तो हवा नहीं आ रही कहीं से, चारों तरफ बंद है, वो दारू पी के आ गए एकदम, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी ना हो हमारे साथ गाइस। और अभी बहुत कस के नींद आ रहा है और हम लोग निकल गए थे फतेहपुर से पहले ही, ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नींद में निकले, आना था हमें यहाँ पे, अभी कितना टाइम हो रहा है, लगभग 1:00 PM है वो, फतेहपुर से डायरेक्ट हमें ट्रेन नहीं मिली तो बस से जाना पड़ा लखनऊ, लखनऊ से ट्रेन और भी यहाँ की, बात है कि हमारे वजह से आर के भाई अभी तक सोए नहीं, अभी हो, तो बोले अभी रात के 2 बज रहे हैं, हम लोग भी खुद नहीं सोए हैं, आर के भाई के घर हमें जाना है अभी, वो वेट कर रहे हैं, जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, आप समझिए, और हम लोग घर चल जाते हैं, बट वो बोले आप यूपी आए और हमसे नहीं मिलोगे, तो बोले हमने भी सोचा चलो हमें भी मिलना है, हमें भी बात करना है, तो आ गए हम लोग, अभी 2 बज रहे हैं रात को, अभी वहाँ पहुंचे नहीं, अभी 50 किलोमीटर दूर है आर के भाई के घर से, अभी बरेली में हम लोग, वो है पिलवेट, तो वहाँ जाने के लिए अभी बैठ चुके हैं गाड़ी पे, अब देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग को भैया पहुंचाते हैं वहाँ तक, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके गाइस, इतनी ज्यादा नींद आ रही ना, 5 घंटे में ना हमने सोए ना हालत खराब हो गया, बस क्या बोलेंगे लग रहा था ना हमें कि उतर जाए ट्रेन से कोई भी स्टेशन पे, बट नॉन स्टॉप बस क्या होता है, ट्रेन थी रुक नहीं रही थी कोई स्टेशन पे, नहीं तो उतर जाते हम लोग को, इतना बुरा लग रहा था, एडवेंचर लाइफ और हाँ एडवेंचर के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो गए, बहुत बार इसको पिकनिक भी लेके जाते हैं एडवेंचर बोले, एडवेंचर के साथ चलो मछली को पका के खाएंगे, इसमें से मतलब कच्चा खाना पड़ता था हम लोग को, तो कोई बात नहीं, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, गाना इतना बवाल बनाया गाइस क्या ही बताएं, गाना सुन के आपको मजा आ जाएगा, मतलब बहुत दिल खुश हो जाएगा, अब अभी तो गाना रिकॉर्ड हुआ, वीडियो इतना हार्ड बनाएंगे ना, वीडियो भी बहुत हार्ड बनाएंगे, गाना रिकॉर्ड तो लगे मंथ, एक मंथ आ जाए वीडियो मतलब आने में सॉन्ग, लेकिन बवाल, पहला सॉन्ग है बवाल मचेगा इसी में, बहुत ही खतरनाक सॉन्ग बना है, दूसरा सॉन्ग बवाल बने या ना बने पहला ही बवाल बनना चाहिए, बिल्कुल गाइस, और हम लिखे हैं थोड़ा तो 19-20 हो संभाल लीजिएगा, नहीं सब एडजस्ट है, बहुत अच्छा लिखा गाना, मस्त है गाइस, गाना सुने ना, हमको खुद नहीं लगा कि इतना अच्छा बन जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बना, खुद नहीं लग रहा था कि हसरीन भाई गाना लिखेंगे हमको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब और गाना को अच्छे तरीके से गाया गया, ये गाना हम बहुत जल्दी लिखे हैं, इससे पहले और एक गाना लिख चुके थे सैड सॉन्ग, जो अमित भाई को बताए थे, तो बोले अमित भाई की इसको बाद में बनाएंगे सैड सॉन्ग को, पहले रैप को बनाते हैं क्योंकि ये स्ट्रगल के बारे स्ट्रगल दर्शाएंगे इसमें, जो सैड सॉन्ग है वो भी आएगा, वो बहुत ही बवाल है, उसको मैंने और ज्यादा अपने दिल के अंदर से आवाज से लिखी है, वो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको, तो वो अभी टाइम है उसको लाने में, तब तक रैप सॉन्ग आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो वेट कीजिए, हम लोग भी चलते हैं आर के भाई, वो भी हमारा वेट कर रहे हैं उनके पास, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आर का आदित भाई के पास, तो और बहुत ही रात हो चुका है अभी, और 4 बज चुके हैं भाई, और 4 बजे तक ये हमारे लिए जगह थे, इसके लिए शुक्रिया आपका, और एक तरह से 4 बजे तक जगह हुए थे, जब भी फोन कर रहे थे फटाक से उठा ले रहे थे, हम लोग सो गए थे, और हमारा भी मोबाइल बिल्कुल, 2 मोबाइल हमारे स्विच ऑफ हो चुके थे, मेरा और कोसर का, अमित भाई का मोबाइल बजा था 3% चार्ज हो जाता है, तो चलिए पहुंच गए यहाँ तक फाइनली, बहुत ही मजा आया इनसे मिलकर, और आर भाई से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तरह से मिले नहीं, कल बाकी है थोड़ा सा, अभी लेट जा रहा हूं, अभी तो मतलब आग झुकझुपा रहा नींद से, नींद बहुत तेज लग रही है अभी, कोई ना, अभी अच्छा लग रहा है देख के, ये चेहरा जो 3 साल से देखते आ रहे हैं,